हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा फर्स्ट का चैप्टर टू, जिसका नाम है एक से नौ तक की संख्या। आपने सीनियर के एजी में भी सीखा होगा। क्या सीखा है आपने? एक दो तीन चार सीखा है बेटा। आज फिर हम एक से नौ तक की संख्या सीखेंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से आप कहीं भूल गए होंगे। तो हम शुरू करते हैं एक से नौ तक की संख्या। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कविता गाएंगे। आपको भी मेरे साथ क्या करना है, कविता गान करना है। एक 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 छोटा बच्चा एक, एक 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 छोटा बच्चा एक खा रहा है सेब। एक 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 छोटा बच्चा एक खा रहा है सेब। आपने देखा ये बच्चा कितना, एक। वेरी गुड। अब नेक्स्ट, दो 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 छोटे बच्चे दो, दो 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 छोटे बच्चे दो पहुंचे चिड़ियाघर को, पहुंचे चिड़ियाघर को। तो यहाँ कितने बच्चे बेटा, दो बच्चे हैं। वेरी गुड। तीन 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 नन्हे तोते नन्हे तीन तीन, तीन 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 नन्हे तोते तीन तीन उड़कर गए चीर। यहाँ तोते कितने हैं बेटा, तीन है, एक दो तीन, और उड़कर कहाँ चले गए, चीन को। मजा आ रहा है ना। आगे देखो, चार 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 छोटे पिल्ले चार खाए अपना आहार। चार 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 छोटे पिल्ले चार खा रहे अपना आहार। तो कितने पिल्ले, एक दो तीन चार। वेरी गुड। अब देखो, पांच 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 मधुमक्खी है पांच, छत्ते के पास रही है नाच। पांच 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 मधुमक्खी है पांच, छत्ते के पास क्या कर रही है, नाच रही है। एक दो तीन चार पांच। आगे आपको एक से पांच से गिनती समझ में आई। आगे, छे 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 सुनीता के पास है किले छे, छे 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 सुनीता के पास किले है छे, ठोक रही है ठाक ठाक ठाक। कितने किले यहाँ पर, छे किले है। आगे देखिए, सात 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 छोटे बोने सात जाते सात सात, सात 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 छोटे बोने सात जाते सात सात। ये देखो, छोटे बोने एक दो तीन चार पांच छः सात, कितने हैं बेटा, सात। वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, आठ 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 मोटे चूहे आठ, आठ 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 मोटे चूहे आठ भगाए बिल्ली के साथ साथ। देखो, बिल्ली को भगा रहे कौन, ये आठ मोटे मोटे चूहे। आगे, नौ 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 लाल चींटी नौ, नौ 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 लाल चींटी नौ खा रही है ढो, खा रही है ढो। तो आपको समझ में आया, एक से नौ तक की गिनती आपको आती भी है ना, आती है ना, अपन को गिनना भी आता है। कैसे गिनती, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ। आ गया, वेरी गुड। एक से नौ तक गिनती वापस याद हो गई। अभी कविता को भी आपको मेरे साथ गाना था। चलो बेटा, अब अपन क्या करेंगे, उतने ही जितने की, अब इधर भी है, इनको क्या करना है, इनसे इनको क्या करना है, मिलाना है। कहने का अर्थ ये है, अगर यहाँ पर कितने हैं, पांच है, तो इधर भी कितने होने चाहिए, पांच। और पांच को पांच से क्या करना है, मिलाना है, एक दूसरे को हाथ पकड़वाना है। जैसे आप अपने फ्रेंड का, आपकी मम्मी का हाथ पकड़ते हो ना, वैसे। ये क्या है, खरगोश। खरगोश क्या खाते है बेटा, गाजर। अब एक एक खरगोश को क्या पकड़ाना है हमको, गाजर पकड़ाना। तो चलो पकड़ाते, इसको पकड़ा दिया ये वाला गाजर, चलो खाओ। फिर दूसरे को ये वाला पकड़ा दिया, और इसको ये वाला। तो हमने क्या देखा, इधर भी तीन इधर भी तीन। तो समझ में आया। अब ये देखो, शर्ट तो है, तो शर्ट अकेले को तो हम पहनेंगे नहीं ना, पहनेंगे तो सब हम पे क्या करेंगे, हंसेंगे। तो हमको साथ में क्या चाहिए, पैंट भी चाहिए। तो चलो भाई, एक एक जोड़ी बनाते, इस शर्ट की इस पैंट के साथ जोड़ी, इस शर्ट की इस पैंट के साथ जोड़ी, इस शर्ट की इस पैंट के साथ जोड़ी, और इस शर्ट की इसके साथ जोड़ी। तो आपको समझ में आया, जितने इधर है उतने भी इधर है। तो ऐसे आपको और आगे भी करना। ये है रबर, और ये क्या है बेटा, पेंसिल। रबर को पेंसिल से मिलाना, जितने इधर उतने उधर। फिर ये देखो, ये क्या है, शूज। शूज मतलब जूते, और इधर क्या है, सॉक्स। सॉक्स मतलब मोजे। शूज को सॉक्स से क्या करना है, मिलान करना है। तो आपको समझ में आया, जितने इधर उतने इधर। क्लियर। आगे चलते हैं, अधिक
या कम। अच्छा मेरे को ये बताओ, अधिक किसे कहते हैं? जब कोई चीज क्या हो बेटा, ज्यादा हो। जब कोई चीज क्या हो, ज्यादा हो, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? अधिक। और जब कोई वस्तु क्या हो, कम हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कम। अब मेरी इधर देखो, यहाँ हमको पढ़ना है, आपको पढ़ना आता है ना हिंदी में? अधिक पर सही निशान लगाइए। क्या बोला बेटा? अधिक पर क्या करना है? सही का निशान लगाना। आप देखो यहाँ हम गिनते हैं, पहले हमको गिनती आनी चाहिए। अभी मैंने सिखाई थी ना, 1 2 3 4 5। यहाँ कितने लड़के बेटा? 5 लड़के हैं। इधर देखो, 1 2 3 4। अच्छा इसमें से ज्यादा कौन है? 5 ज्यादा है या 4 ज्यादा है? जल्दी से बताओ, जो बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगी। वेरी गुड। ये है 5, और 5 क्या होता है? ज्यादा। यानी कि ये क्या है बेटा? अधिक है। इसलिए हम यहाँ पर कौन सा निशान लगाएंगे? सही का निशान। आ गया समझ में? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अधिक पर निशान लगाइए, फिर से वही बात कर रहा है। क्या कह रहा है बेटा? अधिक पर निशान लगा और फिर गिनेंगे हम। गिनना तो जरूरी है ना, बिना गिने कैसे पता चलेगा? तो 1 2 3 4 5। मैडम 5 5 फूल है। तो इधर देखते, तितलियां कितनी है बेटा? तो 1 2 3। अरे तितली तो 3 ही है। यानी कि 3 तो क्या है? कम है। और 5 क्या है? अधिक। और क्या बोला है? अधिक पर क्या करना है? निशान लगाना है। अब आपको समझ में आ गया? आ गया होगा, है ना? तो चलो आगे देखो बेटा, यहाँ क्या दे रखिए? ताला चाबी। ताला चाबी आप जानते हो ना? अब इसमें क्या बोला है? देखो एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगी, फिर आप खुद करोगे। आप तो गुड बॉय हो ना। चलो, कम पर निशान लगाइए। किस पे निशान लगाना बेटा? कम पर। अच्छा कम, तो पहले गिनेंगे, कम वाले को गिनना है ना। तो पहले अपन गिनते, 1 2 3। यहाँ कितने ताले बेटा? 3। यहाँ चाबी को गिनते, 1 2 3 4। अब 4 ज्यादा है या कम है, या 3 ज्यादा कम है? बताओ कौन सा कम है? क्या है? 3 क्या है? कम है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? सही का निशान लगाएंगे। अब आपको क्या करना है? जैसे यहाँ पर दे रखा है, ये क्या है? पतंग। और ये क्या है बेटा? फिरकी। अब आपको इनको गिनना है और किस पे निशान लगाना है? कम पे निशान लगाएं, ये आप स्वयं करेंगे। आया समझ में? अब देखो आगे और देखते हैं हम, आगे क्या करना है बेटा? गिनिए और मिलाइए। अब आपको क्या करना है? दोनों साइड अपन को दे रखा है, अब आपको पता लगाना। जैसे बेटा ये देखो, ये जार है। जार मतलब जिसमें मम्मी अचार और रखते हैं ना, शक्कर और रखते हैं, इसको हम बोलते हैं जार। और यहाँ आपको क्या दे रखी है? कुछ बोल जैसी आकृति दे रखी है, गोल गोल आकृति देखी। अब मेरे को बताओ बेटा, ये जार कितने हैं? 1 2 है। अब आप यहाँ देखो, ये तो 3 है टीचर, ये ज्यादा है, ये है। अब कहाँ पर है? तो ये दिख रहे, 1 2, मतलब इधर है जैसे, वैसे है। इधर भी हमको क्या करना है? उससे मिलान करना है। तो 2 है, तो अब यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? मिलान करेंगे। आया समझ में? नेक्स्ट देखो, ये 2 जार थे, हमने 2 से मिला दिया। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है? ये हमको क्या दिखाई दे रहा है? भुट्टा, मक्का, है ना? तो देखो 1 2 3 4, कितने हैं? 4। अब यहाँ पर देखो, 4 कहाँ दिखाई दे रहे हैं हमको? किस में दिखाई दे रहे हैं? तो ये देख रहे, देखो 1 2 3 4। तो ऐसा जो जहाँ पर है, जैसे कि जैसे 4 इधर है, तो 4 इधर से हमको क्या करना है? मिलान करना है। वैसे देखो यहाँ पर हम गिनते हैं, पहले इसको गिनना है आपको, 1 2 3 4 5 6। अब कितने बेटा यहाँ पर? 6 है। अब देखो 6 कहाँ पर है? ढूंढो फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7। ये तो ज्यादा हो रहा है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर ये 6, तो 6 से 6 को मिलान करेंगे। आया समझ में? इसी प्रकार से ये क्या दिखाई दे रहा बेटा? बेग बे कितने? 1 2 3। अब 3 कहाँ है? ढूंढो जल्दी से, ढूंढो फटाफट फटाफट। अरे ये दिख रहा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? मिलान करेंगे। तो आपको इस तरह से क्या करना है? आपकी नोटबुक में, यानी कि आपकी कॉपी के अंदर ये मिलान करना है, ठीक है? ऐसा ही यहाँ पर देखो पीछे भी है। तो आपको क्या करना है? इसको होमवर्क बुक में, आपकी जो होमवर्क नोटबुक है उसमें क्या करना है? इन दोनों को आपस में क्या करना है? मिलान करना है। आपको समझ में आया बच्चों? तो आज हमने क्या देखा? 1 से 9 तक की कुछ एक्टिविटीज की, ठीक है? थैंक यू।